श्री राकेश सिन्हा उपसभापति महोदय, जो राइट टू प्राइवेसी है ये एक फंडामेंटल राइट है और ये एक राजनीतिक विषय नहीं है। हमने भारतीय लोकतंत्र में देखा है कि 80 और 90 के दशक में लोग परेशान होते थे इस बात के डर से किसका टेलीफोन रिकॉर्ड हो रहा है, किसकी चिट्ठियां पकड़ी जा रही हैं। कम से कम लोकतंत्र में गाड़ी इतनी आगे बढ़ी है कि कम से कम देश के भीतर इस बात का खतरा नहीं है कि सरकारें लोगों के टेलीफोन रिकॉर्ड कर रही हैं। व्हाट्सएप की जहां तक बात है, मैं एक बताना चाहता हूं कि व्हाट्सएप, गूगल ये मीडिया कंपनी नहीं है, दे आर कंपनीज। मीडिया कंपनी और कंपनी में अंतर होता है, और जब कंपनी होती है तो उसको आइडेंटिटी बताना जरूरी होता है, वह मीडिया कंपनी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती है। इसलिए तीन जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और मैं मंत्री जी से जानना भी चाहूँगा कि पिछले तीन दशकों से, जब से साइबर का सिस्टम आया, भारत को नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में तो एक्सपर्टाइज दिया गया, पूरी दुनिया का आउटसोर्सिंग यहाँ से होता रहा, लेकिन नॉलेज डोमेन डेवलप नहीं किया गया। तो भारत सरकार पिछले वर्षों में नॉलेज डोमेन डेवलप करने के लिए क्या कोशिश करे, एक। दूसरा कि इन कंपनियों के जो विदेशों में स्थित हैं, चाहे गूगल हैं, व्हाट्सएप हैं, जो व्यक्तिगत जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन के डाटा का उनके पास स्टॉक है, हमारे व्यक्तिगत जीवन की सारी जानकारी उनके पास है, जो जानकारी हमारे परिवार को नहीं है मेरे बारे में, वो जानकारी उनके पास है, तो क्या उसके समानांतर ये जो नव साम्राज्यवादी कंपनियां हैं उनके समानांतर भारत में व्हाट्सएप गूगल का पैरेलल डेवलप करने की कोई कोशिश हो रही है, उस दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। एक और सवाल मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी सिस्टम में जितना हमारे पास रिसर्च के लिए फंड होना चाहिए, FBI के पास $900 मिलियन का फंड है, उसमें से एक बड़ा चंक साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को जाता है, तो क्या आगे आने वाले वर्षों में भारत सरकार, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्राथमिकता साइबर सिक्योरिटी की है, और हमने पिछले वर्षों में देखा है कि पहले की तुलना में हमने साइबर सिक्योरिटी में अपने आप को अधिक प्रोटेक्ट किया है, क्या उस दिशा में बजट बढ़ाने के का सरकार का की मंशा है। और एक और जो सवाल आम नागरिकों के मन में है, जब व्हाट्सएप पर या किसी और माध्यम से वे बातें करते हैं, अपना मैसेज शेयर करते हैं, यदि उसे हैक किया जाता है, ऐसे हैकर को एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देने के लिए सरकार कौन सी कानून बना रही है? जब तक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा तब तक इस तरह की कोशिशें होती रहेंगी। जो एक बात मुझे थोड़ी आपत्ति लगी, माननीय दिग्विजय सिंह जी बहुत सीनियर वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं और सांसद हैं, कि षड्यंत्र सिद्धांत के तहत जब हम जासूसी कंपनियों को भारतीय राज्य के साथ जोड़ देते हैं तो उनको प्रतिष्ठा मिलती है। एक छोटी सी जासूसी कंपनी ने कोई जासूसी की और भारत सरकार ने उसको एक्सपोज किया और उस पर कार्रवाई कर रही है, तो जो गैर राजनीतिक विषय है जिस पर एक आम सहमति बनाकर हम ऐसे लोगों से लड़ सकते हैं, उसमें कठिनाई आती है, उनको प्रतिष्ठा मिलती है। और इसके साथ मैं अंत में कहना चाहूँगा कि भारत सरकार उस दिशा में कदम बढ़ाए जिससे कि हम व्हाट्सएप, जैसे चाइना ने व्हाट्सएप का गूगल का पैरेलल क्रिएट किया है, क्योंकि भारत दुनिया के देशों के नज़रों में है, दुनिया की कंपनियों के नज़रों में है, हम एक बढ़ता हमारा कदम बढ़ रहा है, तो हम उसका एक समानांतर तैयार करें, वही उसका एक अंतिम और सुरक्षित समाधान है। धन्यवाद। थैंक यू।